रादौर में बिना नंबर बाइक सवार दो युवकों का पीछा कर रही पुलिस टीम पर बाइक सवार युवकों ने गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। गोली पुलिस गाड़ी में बैठे एसआई सतीश कंबोज को लगी, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसके साथ मौजूद कर्मचारी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद उन्हें यमुनानगर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल, डीएसपी रादौर रजत कुलिया के अलावा सीआईए 1 व सीआईए 2 की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के बाद फरार हमलावरों की तलाश में पुलिस ने जगह जगह पर नाकेबंदी भी शुरू कर दी। रादौर थाने में तैनात एसआई सतीश कंबोज टीम के साथ गश्त पर थे। जब वह बस स्टैंड के समीप से गुजर रहे थे तो उन्होंने बिना नंबर की एक बाइक पर दो नकाबपोश युवकों को देखा तो जो बैंक के बाहर खड़े थे। संदिग्ध लगने पर वह उनके पास जाने लगे तो पुलिस टीम को देखते हुए युवक बाइक लेकर रादौरी रोड की ओर भाग निकले, जिनका पीछा पुलिस ने किया और रादौरी रोड पर स्थित FCI के गोदाम के पास जाकर उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन नकाबपोश युवकों ने रुकने की बजाय SI सतीश कंबोज पर दो फायर कर दिए, जिससे एक सतीश के पेट में और एक बाजू में गोली जाकर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। वहीं SP सुरेंद्र पाल सिंह घायल कर्मचारी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि संदिग्ध युवकों को देखकर पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर गोली चला दी, जिससे उनका कर्मचारी सतीश कंबोज घायल हो गया। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चारों ओर नाकाबंदी शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही हमलावरों को पकड़ा जाएगा। अपनी पेट्रोलिंग गश्त कर रहे थे, कुछ सस्पेक्ट दिखाई दिया, उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने इसके ऊपर फायर किया। वो तो सस्पेक्ट के लिए हमने नाकाबंदी कर दी है और जल्दी इसको गिरफ्तार कर लेंगे। कितनी गोली लगी सर? दो गोली बता रहे हैं, बाजू पे लगी, पेट में लगी। कंडीशन कैसी है? कंडीशन ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से मैं पर्सनली मिल के आया हूँ और अभी नाकाबंदी कराई है शहर। अभी जल्दी ही पकड़े जाएंगे। सर हमलावर कितने लोग थे? हमला दो बंदे थे, मोटरसाइकिल पे थे वो, और उसके लिए हमने अपनी टीमें भेज दी। जल्दी इसको पकड़ने में क्राइम अनकंट्रोल हो रहा है सर, वजह क्या है? पुलिस को माने पहले आम आदमी को मारे, जब पुलिस को ही मार रहे बदमाश। फायरिंग पुलिस तो एक बैड एलिमेंट को पकड़ने के लिए लगे हुए थे, पुलिस ने तो पकड़ने के लिए पीछा किया था। जब पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायर कर दिया, तो जो भी बैड एलिमेंट्स उनको पकड़ लेंगे। हमारा चारों तरफ से नाकाबंदी हमने कर दी। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।